अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लोकवेसा और हस्तोनीत का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ। मेरी उर्दू मासूमा आपा की तरह इतनी सलीस नहीं है, तो मैं अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन करूंगी, इफ यू ऑल डोंट माइंड। सो आज मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो है अबाउट द पारसी प्रेजेंस इन कराची। बहुत सारे लोगों शायद कभी पारसी से मिले ना हो, लेकिन वो पारसियों के बारे में उनकी अलग अलग चीजों से उसके बारे में उनको मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अब शायद मूव नहीं कर रहा। बाई विरबाईजी सुपारी वाला पारसी हाई स्कूल BVS के जैसे, जिसके नाम से जानते हो, ये 1859 में बना था एज अ पारसी बालक शाला, बच्चों की स्कूल के लिए। ये लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूल था। और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन कराची इन द लैंडस्केप इज द बैंड स्टैंड एट क्लिफ्टन। इट वॉज बिल्ट बाय सर कावस जी होर्मस जी कातरक एंड इट इज नेक्स्ट टू द जहांगीर कोठारी परेड विच इज स्टिल एन एलिवेटेड सैंडस्टोन वॉकवे इन क्लिफ्टन। The Nasarwanji building was originally constructed in 1903 as a warehouse in Kharadar, but it was relocated stone by stone to become a part of the Indus Valley School of Art and Architecture. Of course, तीन तलवार तो सब जानते हैं, जो भी कराची में आया है उनको तो तीन तलवार के बारे में पता ही है, लेकिन शायद ये ना पता हो कि इट्स बीन डिजाइंड बाय अ पारसी आर्किटेक्ट मीनू मिस्त्री। और अवारी टावर्स तो खैर कराची में एक जमाने में इट वॉज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कराची एट 17 स्टोरीज। नाउ इट हैज नॉट, इट्स लॉस्ट दैट स्टेटस, बट इट्स स्टिल अ वेरी आइकॉनिक बिल्डिंग। सो हु आर द पारसीज? पारसीज आर द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट जराथुस्त्रा। ही लिव्ड इन आर्यानम वेजा विच इज द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न ईरान, some say southwestern Afghanistan. He lived approximately 2000 years before the birth of Christ. So 4000 साल पहले वो उनकी पैदाइश है। He is referred to as Zoroaster by the Greeks who introduced his teachings to the West, and therefore his followers are called Zoroastrians. ऑब्वियसली ये बहुत पुराना रिलीजन है, 4000 साल पहले, तो वी डू नॉट नो व्हाट ही लुक्ड लाइक, लेकिन देर आर सर्टन इमेजेस एंड लाइकनेसेस ऑफ हिम दैट हैव बीन क्रिएटेड। इन मेनी ऑफ देम ही इज होल्डिंग अप वन फिंगर व्हिच बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट देर इज ओनली वन गॉड, बिकॉज ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज द फर्स्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्रॉफिट वॉज द वन हू सेड देर इज ओनली वन गॉड, Ahura Mazda. He called him Ahura Mazda. Ahura means wisdom and Mazda means Lord. And he said that Ahura Mazda has no form, no beginning, no end. We use the fire to symbolize the radiance of Ahura Mazda, similar to the concept of Noor-e-Ilahi. We are not a worshippers of fire. That's just a misconception. So Zoroastrians left Iran after the Arab invasion in the 7th century, and they came and sought refuge in India. And they arrived at a little island called Div, which was off the coast of Gujarat. And legend has it ki jab hum aaye, jab ye pura ek tola aaya refugees ka Jaddev Rana ke court mein, तो उन्होंने बस देखा कि ये लंबी लंबी दाढ़ियां, कपड़े फटे हुए, इन लोग बहुत अरसा एक शिप में आए थे तो शायद नहाए भी ना हो, तो उन्होंने उनको देखा और उन्होंने कहा कि हम सॉरी, हमारे यहाँ जगह नहीं कि हम आपको यहाँ रख सके। सो नेरियोसंग धवल हु वाज द प्रीस्ट ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस, उन्होंने ये राणा साहब को कहा कि आप प्लीज एक दूध का बोल मंगवा दें। तो जो राणा साहब थे वो बहुत पेचीदा हुए, उन्होंने कहा बेशक कि आप ले आए एक बोल ऑफ मिल्क,
एंड जब वो बोल ऑफ मिल्क उनके पास लाया गया तो जो हमारे जो प्रीस्ट थे उन्होंने एक मुट्ठी भर शुगर लिया और उन्होंने चीनी ली एक मुट्ठी भर चीनी और वो उन्होंने दूध में डाल दी और राणा साहब को कहा कि आपको ये चीनी नजर आ रही है दूध में. तो राणा साहब ने कहा नहीं, सिर्फ वी विल बी लाइक दिस, आप हमको देख नहीं सकोगे लेकिन हम आपके जो दूध है उसको मीठा कर देंगे. तो राणा साहब वाज सो प्लीज्ड विद दिस एनालॉजी दैट ही अग्रीड टू लेट द ज़ोरास्ट्रियन स्टे एंड प्रैक्टिस देयर ओन फेथ एज लॉन्ग एज दे अग्री टू सर्टेन कंडीशंस. उन्होंने कंडीशंस में ये रखा कि आप गुजराती अपनाइए. उनको ये नहीं चाहता थे कि वो अपनी जबान में बात करे और लोगों को पता ना हो कि वो क्या बोल रहे हैं. उन्होंने कहा यू विल अडॉप्ट द लोकल ड्रेस, साड़ीज फॉर वुमेन एंड जामा पिछोरी फॉर द मेन. ही सेड कि यू विल सरेंडर ऑल वेपन्स. ही सेड दैट यू विल होल्ड योर मैरिज सेरेमनी आफ्टर सनसेट एंड यू विल अग्री नॉट टू कन्वर्ट द लोकल्स. एंड द रेफ्यूजीज अग्रीड टू ऑल दीज कंडीशंस एंड स्टार्टेड लिविंग इन गुजरात. द लोकल्स कॉल्ड द न्यूकमर्स पारसीज और the people from Paris. That was the name of the province in Iran that they had come from. And as you can see from this photograph, unhone Gujarati libas apna liya aur jo Gujarati zaban hai wo apna li. So wo phir Gujarat se Karachi kaise aaye? In 1843, the British annexed Sindh and established military cantonments, as Masooma Appa said. Parsis also came to Karachi to take advantage of the new settlement. In fact, many of the Parsi surnames, like contractor, commissariat, are linked to their work with the associated with the army. One of the surnames is Dubash, which was the name given to the interpreters, do bhasha bolne wale. Us era mein one of the most famous Parsis was Jamshed Nasirwanji Mehta. He served as the president of the KMC for 12 years and is fondly remembered as the maker of modern Karachi. He also has the unique distinction of being the first mayor of Karachi from 1933 to 1934. Kaha jata hai ki jab wo president of KMC the to Karachi mein unki Karachi ki sadke din mein do dafa dhulti thi. And it was called the cleanest city in Asia. So Parsis continue many of the customs and traditions of their adopted home, like speaking Gujarati and wearing saris. But we have also retained some of our Persian heritage as well. For example, the initiation into the faith is called the Navjot. The word Navjot is a composite of two words meaning new, Nav, and worshipper Jot. It is done before a child turns 12, 13 in India, but in Iran, it is done during the adulthood. It is the same ceremony for girls and boys. And in this ceremony, before witnesses, before priests, family members, guests, the Navjoti declares, Mazda Yasno Ahmi, Mazda Yasno Zarathustrish. I am a believer of Mazda and a follower of Asho Zarathustra. One of our other festivals is Nowruz, and it is celebrated on March 21st when the vernal equinox falls and light literally defeats darkness as the days become longer. We have the Sofrai Haftseen, or a table which is set with seven gifts of nature with names beginning with the Farsi letter Seen. Also on the table, we have our holy book. We have Gehun, jo ugra hota hai, just to show new growth. We have fruit, nuts, sweets, mithai, just to show abundance. We have candles for light, a bowl of goldfish and some eggs
to signify new life, एक नया नई जिंदगी शुरू होती है. Every time spring आता है, बहार आती है, तो एक नई life शुरू होती है. And we have a mirror to symbolize a bright future ahead. Another ceremonies and festivals that we celebrate are called Ghambars. And they are related to our roots as farmers in ancient Iran. In ancient times, the whole village would work together to sow seeds or harvest the crops. So, us zamane mein kya hota tha ke ek bada dekcha wo rakhte the gaon ke beech mein, aur har khandan jo bhi wo contribute kar sakte the wo pot mein dal dete the, wo dekche mein dal dete, aur गेहूं हो सकता था, सब्जियां, गोश्त. इफ ये आप ये नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट चूल्हे को जलाने के लिए जो लकड़ियां जरूरी होती थी वो दे सकते थे. और ये पूरे दिन पकता था वाइल द विलेजर्स यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड्स. और जब शाम ढलती थी तो सारे वर्कर्स फिर आके सबने साथ बैठ के खाया करते थे. अब फार्मर्स तो नहीं रहे पारसीज, तो इस तरह का तो नहीं होता है, लेकिन खाने का तो फिर भी शौक है पारसियों को. एज मासुमा अपा सेड, अमन पसंद और जमन पसंद. सो वी स्टिल सेलिब्रेट घंबार्स. वी इंक्लूड थैंक्स गिविंग प्रेयर्स फॉर यू नो ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. एंड वी शेयर फूड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड देयर इज सिंगिंग एंड जोकिंग एंड लाफिंग एज वेल. सो Many of the Parsis now live in the West. कहा जाता है कि 1970s के census में there were about 5,000 Parsis in Karachi. लेकिन many of them have now moved to the West. We have started the Return to Roots project, which takes young Zoroastrians on a journey to explore their Persian and Indian heritage every year. There are less than 1,000 Parsis left in Karachi, but their presence will be felt long after they are all gone, preserved in stone. For example, the Mama Parsi Girls School, which was established in 1918. It used to be actually be part of the BVS Boys and Girls School, the Balak Shala, but once the girls' number increased, they decided to make it into a separate school. There's lots to say about the Parsis of Karachi and the Parsis around the world, but unfortunately we are constrained for time today. So if you would like to know more, please feel free to download this free book, Eat, Live, Pray, A Celebration of Zarathustra Culture and Cuisine. It's available on the website of Fizana, which is the Federation of Zoroastrian Associations of North America. And I was part of the team that put this together. So it's a black and white book. You can download it and print it off on your own printers at home. Thank you.